तो आत्मा का खाना क्या है? व्हाट इज द फूड फॉर द सोल? दिस इज द फूड फॉर द सोल, द महामंत्र, द हरे कृष्ण महामंत्र. सो द टोटल द कंप्लीट हरे कृष्ण महामंत्र इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो दिस इज द कंप्लीट महामंत्र. सो हाउ टू चैंट दिस महामंत्र, so that we will see and we will do an experiment today. So before we chant this mahamantra, we chant another mantra which is called as panchatattva mantra. The panchatattva mantra is jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda sri advaita gadadhar srivasadi gaur bhakta brinda. So this is the Panchatattva mantra, and let us see how we chant this Hare Krishna Mahamantra in chanting beats. So I will take a chanting beat and I will show you how one can chant the Hare Krishna Mahamantra in chanting beat. So this is a chanting beat. So this is used for measuring the number of times we are chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So here, this one bead is there. It is called as bead, B-E-A-D. And the total, this mala or this total thing is called as chanting bead. And one bead is there. There are 108 beads. So there is a topmost bead. This is the topmost bead. This one, right? And apart from this topmost bead, there are 108 other beads. So इसको छोड़ के 108 और भी beads हैं. तो हम लोग कैसे इस माला में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को चैंटिंग करते हैं वो हम लोग देखेंगे. तो पहला बात है कि माला पकड़ना कैसे. तो माला को हम लोग दो हाथ में इस तरीके से पकड़े हैं और हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि माला मिट्टी में टच ना हो. नाउ जो मैं राइट हैंड में जैसे हम इसको पकड़ा हूं, राइट हैंड में हम कैसे इसको पकड़े हैं देखिए, ध्यान से देखिए. दैट आई हैव ओनली टच द टॉपमोस्ट बीट. इस टॉपमोस्ट बीट को बोला जाता है कृष्णा बीट. तो ये कृष्णा बीट में हम कैसे इसको पकड़े हैं ये देखिए. ये जो उंगली है, दिस फिंगर, इसको ऐसे लगाए, टच किए, ठीक है, और थंब से ऐसे प्रेस किए. ध्यान से देखिए इस तरीके से, ठीक. और इस उंगली, इंडेक्स फिंगर, इसको हम टच नहीं किए. इस उंगली से हम लोग दूसरे को नीचा दिखाते हैं, इसलिए इसको हम लोग माला से टच नहीं करते. तो कैसे फिर से हम कृष्ण बीट को, जो टॉप मोस्ट बीट है, उसको कैसे पकड़े हैं, फिर से ध्यान दीजिए. देखिए इस तरीके से हम लोग टच किए और थंब से प्रेस किए ऐसे, राइट. तो ये कृष्ण बीट में हम लोगों को क्या करना है, ये पंच तत्व मंत्र बोलना है. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. ये पंच तत्व मंत्र हम लोग को ये कृष्ण बीड में बोल रहे. अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक बीड में एक एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट. और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड मोशन लाइक दिस. इस तरीके से एक एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. फिर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. देन गोइंग फॉरवर्ड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लाइक दिस. सो नाउ बिगिनिंग से एक बार हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है. तो कैसे चैंटिंग करना है, पहले कृष्ण बीट में हम लोग को पंचतत्व मंत्र बोलना है.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद, ये पंचतत्व मंत्र है। अभी हम लोग स्ट्रेट बैठेंगे, मेडिटेशनल पॉस्चर में बैठेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे और डीप ब्रीदिंग लेंगे। ये एक मेडिटेशनल टेक्निक है। तो मेडिटेशनल टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग का जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करना है, तो हम लोग का कंसेंट्रेशन पावर बढ़ेगा। तो हम लोग शुरुआत करने के पहले जो पंचतत्व मंत्र बोल लिया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रीद इन, श्वास ले लिया, फिर शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर ब्रीथ जब खत्म हो गया, अगेन ब्रीथ इन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम लोग जब ये चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तब हम लोगों को ये जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको सुनना है बस, मन को कॉन्सेंट्रेट करना है ये हरे कृष्ण महामंत्र जो मुख से निकल रहा है उसको सुनने में, बस इतना है। माइंड विल गो हियर एंड देयर, मन का काम ही है, लेकिन मन को हम लोग कंसेंट्रेट करना है, उसको ब्रिंग बैक करना है। किस चीज में ब्रिंग बैक करना है, कि हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने में ब्रिंग बैक करना है। दैट्स इट, दैट्स द थिंग, दैट्स द कंसेंट्रेशन एंड ब्रीदिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे आगे हम बढ़ते जाए। सो लाइक दैट ऑल ऑफ यू डू इट एट योर होम, दैट यू चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र वन राउंड कंप्लीट। इसमें 10 मिनट समय लगने वाला है, लेकिन आप देखिए उसको चैंटिंग करके इतना आपको अलग महसूस होगा, आप खुद समझ पाएंगे, यू योर सेल्फ विल अंडरस्टैंड, नो बॉडी एल्स विल हैव टू गिव यू सर्टिफिकेट, यू विल योर सेल्फ अंडरस्टैंड। तो ये टोटल 8 बार आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिए घर या रूम पे जहां पर भी देना। सो देयर फोर आई एंड हियर, सो वी सॉ हाउ टू चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र इन द बीट्स, and I recommend all of you to try it out in your place. So the best time to chant it is in the morning time. Subah ka time peaceful rehta hai sab kuch, bahut jo atmosphere hai shant rehta hai, to bahut acche tarike se aap log ye chanting ka experience le sakte hain. To subah ka time aap log try kijiye, okay? So with this I end. Thank you very much for your enthusiastic participation and enthusiastic listening. Thank you.